मेरे YouTube फैमिली कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी स्टाइल टिक्की। ये बहुत ही ज्यादा यम्मी और टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। मैं जब भी यूपी जाती हूँ तो ये टिक्की तो स्टार्ट करते हैं यूपी स्टाइल टिक्की। आइए बनाते हैं यूपी स्टाइल टिक्की। स्टार्ट करते हैं आलू की टिक्की बनाना। मैं इसमें हरी धनिया डालूंगी, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर। आलू ठंडे हो चुके हैं तो मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक एकदम स्वाद अनुसार ही डालना है। अब मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डालूंगी। अब इन आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैंने इस तरीके से टिक्की बना ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने तेल लिया है, तेल में मैंने नमक डाला है जिससे कि टिक्की में ऑयल कम लगे। टिक्की को हम लोग लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे जिससे कि हल्की हल्की ब्राउन हो। ये देखिए कितनी करारी करारी हमारी यम्मी टिक्की रेडी है। चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। बिल्कुल यूपी स्टाइल में बनाएंगे, आज मैं बनाती हूँ यूपी स्टाइल में। तो स्टार्ट करते हैं टिक्की बनाना। मैं इसके ऊपर डालूंगी मटर, ये बिल्कुल हमारे यूपी में मिलती है इस तरीके से मटर वाली टिक्की, वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगती है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ग्रीन चटनी, ये धनिया और मिर्च की बनी हुई है। इसमें हींग जीरा काला नमक पड़ा हुआ है बस। अब मैं डालूंगी पिसा हुआ जीरा। थोड़ा सा काला नमक, बिल्कुल हल्का सा व्हाइट नमक, चाट मसाला चटनी। थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी दही। थोड़ा सा मैं डालूंगी कटा हुआ प्याज। ये रेडी हो गई हमारी यूपी स्टाइल टिक्की। ये बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है। आप भी प्लीज इसे ट्राई कीजिए, आप भी खाइए और बनाइए। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।